गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम क्लास थर्ड के बुक गणित का जादू का चैप्टर 3 कुछ लेना कुछ देना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। मैं किट्टू हूँ, यह मेरा घर है, काफ़ी बड़ा है ना, इसमें 100 कमरे हैं, इनमें से कुछ कमरों को रंगने में मेरी मदद करो। ये किट्टू कौन है? ये किट्टू और कोई नहीं, ये चींटी ही है जो कह रही है इसके घर में 100 कमरे हैं और इसके कमरों में इस रंग करने में इसकी मदद करनी है और हर एक कमरे को इसमें नंबर दे रखा है। तो आगे क्या बोलती है ये? चलो कमरा 2 से शुरू करें। तो हमें कहाँ से शुरू करना है? कमरे 2 से शुरू करना है। कमरा 12 तक पहुँचने के लिए ऐसे चलते हैं। अब हमें ये कमरे 2 से 12 तक कैसे जाना है ये हमें बताएगी। पहले दाई तरफ चलकर 10 पर पहुँचे। दायां तरफ क्या होता है? 2 से इस तरफ जाने को दायां कहते हैं और इस तरफ जाने को बायां कहते हैं। तो 2 से 10 की तरफ जाना है दाई तरफ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे देखो, फिर 11 पर गए और बस एक कदम और, लो 12 पर पहुँच गए। मतलब 10 से हम 11 पर गए, फिर 11 से हमने एक कदम और लिया और हम 12 पर पहुँच गए। यह 2 से 12 तक पहुंचने का एक रास्ता हुआ। ये 2 से 12 तक पहुंचने का एक रास्ता हुआ। पहले 2 से 10 तक जाओ, फिर 10 से 11 पर, फिर 11 से 12 पर। आगे देखो, 2 से क्या कोई एक छोटा रास्ता हो सकता है? क्यों नहीं। देखो अब 2 से 12 तक जाने का हमने कितना लंबा रास्ता लिया, क्या इससे कोई छोटा रास्ता हो सकता है? अगर हम 2 से एक छलांग ऊपर लगाएंगे तो हम 12 पर देखो डायरेक्ट पहुँच गए, तो हमें इतना जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये सबसे छोटा रास्ता 2 से 12 तक का। देखो यहाँ लिखा है 2 से एक छलांग ऊपर लो और सीधा 12 पर पहुँच गए। और एक छलांग 2 से 12 तक के छलांग में हमने कितने कदम लिए हैं देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब हम एक छलांग में 10 कदम चलते हैं। तो 2 से 12 तक के छलांग में हमने कितने कदम लिए? 10 कदम। तो इसमें एक छलांग कितने कदम के बराबर है? 10 कदम के। तो यहाँ देखो अगला क्या पूछा है, 2 से 12 तक की छलांग डैश कदम के बराबर है। अभी हमने देखा कि हमने 2 से 12 में कितनी छलांग लगाई है? एक छलांग। और एक छलांग कितने कदम के बराबर है? 10 कदम के बराबर है। तो आगे देखते हैं, 2 से 12 तक की छलांग में कितने कदम लगाए? 10 कदम के बराबर है। तो 2 से 12 तक की छलांग 10 कदम के बराबर है। अब देखो इसमें क्या बोला है, अब 14 से ऊपर एक छलांग लगाकर देखो। अब 14 से हमें एक छलांग ऊपर लगानी है। अगर ये रहा देखो 14, अगर एक छलांग ऊपर लगाएंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 24 पर, 24 पर। तो एक छलांग लगाने पर हम कहाँ पहुँच गए? 24 पर। तो एक छलांग में हमने 14 से 24 तक की छलांग में कितने कदम चले? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 14 से 24 तक जाने में हम कितने कदम चले? 10 कदम। तो इसमें बोला है अब 14 से ऊपर एक छलांग लगा कर देखो। तो 14 से ऊपर एक छलांग लगानी है और एक छलांग में कितने कदम होते हैं? एक छलांग में 10 कदम होते हैं। तो हम 14 में एक छलांग मतलब 10 कदम को जोड़ेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 24 पर, 24 पर। देखो कैसे, अगर हम 14 में 10 कदम को जोड़ देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? पहले हम इस साइड को जोड़ेंगे दाईं तरफ को 4, फिर इसको 1 और 1, 2। तो कहाँ पहुँच गए? 24 पर। हमें जब जोड़ेंगे तो हम पहले सबसे पहले हम दाईं तरफ से जोड़ते हैं और उसके बाद बाईं तरफ वाला नंबर, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे? 24 पर। अगला बोलता है मैं 22 से 41 तक कैसे पहुँचूँगा? मैं 22 से 14 तक कैसे पहुँचूँगा? इसके लिए बोलता है ये 2 छलांग में 22 से 42 पर पहुँच जाऊँगा। फिर एक कदम बाएं हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे देखो। अब इसमें बोला 22 से 2 छलांग ऊपर लगाऊँगा, तो 22 से एक छलांग यहाँ लगाई, फिर एक छलांग यहाँ लगाई। और एक छलांग में कितने कदम होते हैं? 10। तो 2 छलांग में कितने कदम होंगे? 20।
और फिर एक छलांग हमने दाईं तरफ लगाई, तो हम दाईं तरफ लगाने पर कहाँ पहुँच गए, 41 पर। तो हम 22 से 41 तक जाने में हमने कितने कदम लिए, 1, 2, 3, तो हम 3 कदम में 22 से 41 पर पहुँच गए। तो हमने कुल मिलाकर कितने कदम कूदे, तो हम कुल मिलाकर 3 कदम कूदे। अब आगे बोलता है, तुम इस तरीके से भी जा सकते हो, ये दूसरा तरीका है जाने का, 22 से एक कदम बाएं लेकर 21 पर पहुँचे, फिर 2 छलांग ऊपर लो और पहुँच गए 41 पर। देखो कैसे, हम 22 से एक कदम दाईं तरफ लेंगे, एक तरफ बाईं, एक कदम बाईं तरफ लेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 21 पर। फिर हम 21 से दो छलांग लेंगे, एक छलांग ये और दो छलांग ये, और कहाँ पहुँच गए हम, 41 पर, 41 पर। पहले हम 22 से 21 पर आएंगे, एक तो से बाईं तरफ, फिर बाईं से हम 2 छलांग ऊपर लगाएंगे और कहाँ पहुँच जाएंगे, 41 पर। तो हम यहाँ से 21 से 41 तक कहाँ कितने कदम चले, 1, 2, 3। हम यहाँ से भी कितने कदम चले, 3 कदम। तो हम कितने कदम कुल मिलाकर चले, 3 कदम। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगला हम दूसरी वीडियो में देखेंगे।